नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक टुडे न्यूज। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि सभी न्यूज चैनल पर दिखाया जा रहा है कि मोदी की रैली के बाद समीकरण चेंज हो चुके हैं, दिल्ली में बीजेपी आपसे आगे निकल चुकी है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आखिर सच में क्या है और बीजेपी को कितनी सीटें आने वाली है, वो आपको बताने वाले हैं हमारे देश के सबसे बड़े न्यूज चैनल पब्लिक टुडे न्यूज पे। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि सभी टीवी चैनल जो है बीजेपी मीडिया के बिकाऊ है, इसलिए सही अनुमानित एग्जिट पोल नहीं दिखाते हैं। जी हाँ, काफी बार इनके एग्जिट पोल दिल्ली के अंदर गलत हो चुके हैं, पिछली बार भी गलत हो चुके हैं, और पिछली बार भी आम आदमी पार्टी 67 सीटों से दिल्ली के अंदर जीती है जब वहां पे बीजेपी को पूर्ण बहुमत दिखाया जा रहा था। लेकिन आपको बता दें कि बीजेपी को कितनी सीटें आने वाली है। जी हाँ, पहली बार की तरह बीजेपी 3 पे नहीं रुकने वाली, बीजेपी थोड़ी बढ़त करने वाली है। लेकिन फिर भी आपको बताएंगे कि बीजेपी को कितनी सीटें आ सकती है, ये सीटें कौन कौन सी है जो बीजेपी हासिल कर सकती है और बीजेपी को कितनी सीटें प्राप्त हो सकती है। जी हाँ, सबसे पहले आपको बता दें कि यहाँ पे आपको बता दें कि बीजेपी को 12 से 15 सीटें हमारे एग्जिट पोल के अंदर अनुमानित बताई जा रही है, और साथ में आपको बता दें कि कांग्रेस को भी जो है 15 से 20 सीटें बताई जा रही है। अगर ऐसा होता है तो आपको बता दें कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों पार्टी मिलकर 30 से 35 सीटें निकाल सकती है। वहीं बचे 35 सीटें केजरीवाल के खाते में है। चलिए आप बात करते हैं कि बीजेपी कहां कहां से जो है 12 से 15 सीटें निकाल रही है। जी हां, सबसे पहले अगर बात की जाए तो हरियाणा से लगते हुए इलाकों के अंदर बीजेपी ये 15 से 20 सीटें निकाल रही है। जी हां, जो सीटें बीजेपी के खाते में आ रही है वो आपको मैं बता देता हूं कि कौन सी सीटें बीजेपी के खाते में आ रही है। जी हां, सबसे पहले आपको बात की जाए तो ओखला की सीट की बात की जाए तो ओखला की सीट से यहाँ पे परवेज हसमी कांग्रेस कैंडिडेट मजबूत है। बीजेपी यहाँ पे कंपटीशन दे रही है कांग्रेस को, लेकिन ओखला की सीट बीजेपी के खाते में कैलकुलेशन में नहीं आई है। और साथ में आपको बता दें कि बीजेपी कहाँ से सीट निकाल रही है। सबसे पहले आपको बात की जाए तो बीजेपी जो सीट निकाल रही है वो है बदरपुर की सीट। बदरपुर की सीट की बात की जाए तो बदरपुर की सीट से रामवीर सिंह यहाँ से बीजेपी को आगे लेके जा रहे हैं। बीजेपी की सीट यहाँ से जीत रही है। तुगलका की बात की सीट पे भी विक्रम जी काफी मजबूती से हैं, बीजेपी के खाते में दोनों सीटें आ सकती है। वहीं कालका जी, तुगलकाबाद, बदरपुर 3 सीटें हैं जो बीजेपी के खाते में आ सकती है। और ग्रेटर खास के अंदर भी आप और बीजेपी के बीच जबरदस्त फाइट है। यहां से शिखर राय सीट निकालने के चांस कम है, लेकिन इन 4 सीटों को कैलकुलेशन किया जाए तो बीजेपी के खाते में ये 4 सीटें आ चुकी है। चलिए अब बात करते हैं कुछ और सीटें जो बीजेपी के खाते में आ सकती है। अगर बात की जाए तो बीजेपी के खाते की सीटें, तो आपको बता दें कि दिल्ली कैंट से वीरेंद्र सिंह कादियन को जबरदस्त टक्कर दे रहे मनीष सिंह, ये सीटें भी बीजेपी के खाते में आ सकती है। जी हां, नसबगढ़ की सीट टोटली बीजेपी के खाते में है। यहां पे कांग्रेस थोड़ा जो है दाव पेश कर रही है, लेकिन जो है नसबगढ़ की सीट भी बीजेपी के खाते में है। अगर आगे की बात की जाए तो आपको बता दें कि उत्तम नगर के अंदर जो है कांग्रेस और बीजेपी के बीच जबरदस्त टक्कर है, ये भी सीट बीजेपी के खाते में आ सकती है। जी हां, जनकपुरी की बात की जाए तो जनकपुरी के अंदर भी राधिका खेरा एंड आशीष सूद के बीच जबरदस्त फाइट है। जनकपुरी और विकासपुरी की सीट भी बीजेपी के खाते में आ सकती है। और साथ में आपको बता दें कि चांदनी चौक कांग्रेस के खाते में 7 सीटें आ रही है। वहीं अगर मॉडल टाउन की बात की जाए तो मॉडल टाउन के अंदर भी कपिल मिश्रा और अखिलेश त्रिपाठी के बीच जबरदस्त फाइट है, लेकिन बीजेपी के खाते में कपिल मिश्रा के खाते में ये सीट आ सकती है। अगर सदर बाजार की बात की जाए तो सदर बाजार के अंदर भी आम आदमी पार्टी और बीजेपी जयप्रकाश के बीच जबरदस्त फाइट है, ये सीट भी जयप्रकाश यानी बीजेपी के खाते में आ सकती है। अगर बात की जाए तो बालीमरण की सीट के बारे में, यहां से कांग्रेस हरुण यूसुफ जीत सकते हैं, कांग्रेस के खाते में ये सीट आ सकती है। जी हां, हम यहां पे सीटें बताने वाले हैं जो बीजेपी और कांग्रेस के खाते में आ सकती है। कुछ सीटें यहां पे बताने वाले हैं जहां पे हम बीजेपी को प्रायोरिटी ज्यादा रख रहे हैं। बीजेपी की सीटें आपको बता रहे हैं कि कौन कौन सी सीटों पे बीजेपी अपनी निगाहें जमाई बैठी है। अगर बात की जाए तिलक नगर की सीट के बारे में तो राजीव बब्बर यहां से जीत सकते हैं, तिलक नगर की सीट बीजेपी के खाते में जा सकती है। जी हां, ये हमारे ओपिनियन पोल वर्सेज एग्जिट पोल वर्सेज सट्टा बाजार रिपोर्ट है। 12 से 15 सीटें ऐसी कौन सी है जो बीजेपी के खाते में जा सकती है। नांगलोई जट की बात की जाए तो नांगलोई जट के अंदर भी बीजेपी कड़ा प्रभाव रखती है, लेकिन ये सीटें भी बीजेपी के खाते में जा सकती है। उसके बाद की बात की जाए रोहिणी से कोई बीजेपी खाते में सीट नहीं जा रही है, रोहिणी से आम आदमी पार्टी ही जीत रही है। और आगे बात करते हैं हम कुछ सीटें जो बीजेपी अपनी जीत सकती है। जी हाँ, आपको बता दें कि ये सीटें कुछ ऐसी थी जहाँ से जो बीजेपी खाते में जा सकती है। आदर्श नगर से भी जो राजकुमार भाती जीत सकते हैं, ये भी सीटें बीजेपी के खाते में जा सकती है। आदर्श नगर की सीट भी बीजेपी के खाते में जा सकती है। कुछ सीटें और भी है
जो आपको बताने वाले हैं। वजीरपुर की सीट है डॉक्टर महेंद्र नागपाल के खाते में जा सकती है। तो ये कुछ सीटें हैं जो 15 सीटें हो चुकी है, 12 से 15 के आसपास सीटें हो चुकी है, ये सीटें बीजेपी के खाते में जा सकती है। अधिक जानकारी के लिए आप वीडियो में कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको लगते हैं, आपके क्या विचार है, आपको क्या लगता है, अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो आप वीडियो में कमेंट कर सकते हैं। आप देख रहे हैं पब्लिक टुडे न्यूज। बहुत ही ज्यादा नेक्स्ट वीडियो जारी होगा जिसमें हम 70 की 70 दिल्ली की विधानसभा सीटों के बारे में आपको बताएंगे कि कौन से कैंडिडेट जीत रहे हैं, कौन सी पार्टी मजबूत है। तो जुड़े रहिएगा पब्लिक टुडे न्यूज के साथ। इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको लेटेस्ट खबरें सबसे पहले मिल पाए।